और ना हम इसको फ्रेंडली समझते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में दाल रोटी की अहमियत है और वो हमें नहीं मिलता। बचत कोई फायदा नहीं आना, जो कोई फायदा आवे तो फिर है ना। तो इमरान खान तो कहता से असी नवा पाकिस्तान करना, तो उन्हें तो पुराना भी खत्म कर छड़े। किसान कभी कुछ दिता तू हम छिता नहीं खाने कदम वोट लाने तू। पीपल फ्रेंडली इस तरीके से होता है कि एक आम आदमी को सहूलत हो। आदाद व शुमार का अगर हेर फेर करके उसको फ्रेंडली बना लें तो इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू वोकली द ऑनेस्ट पब्लिक ओपिनियन। हुकूमत की जानिब से सालाना बजट जारी कर दिया गया है, जिसमें माहिरीन का ये कहना है कि ये एक पीपल फ्रेंडली बजट है और इसको अवामी बजट के नाम से भी पहचाना जा रहा है। आइए हम अवाम से जानते हैं कि इस बजट से उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ते हैं। बजट फ्रेंडली या पीपल फ्रेंडली इस तरीके से होता है कि एक आम आदमी को सहूलत हो। बजट आने से एक दिन पहले रोटी 10 रुपये की हो गई है, मुर्गी का गोश्त कहाँ जा रहा है, सब्जियों की कीमतें क्या हैं, फलों की कीमतें क्या हैं, आप सबको पता है। अब इसमें आप आदाद व शुमार का अगर हेर फेर करके उसको फ्रेंडली बना लें तो इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और ना हम इसको फ्रेंडली समझते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में दाल रोटी की अहमियत है और वो हमें नहीं मिलता। जब बजट से 2 दिन पहले 2 रुपये कीमत एक रोटी पर बढ़ाई जाए तो उसको कैसे फ्रेंडली कहेंगे आप? लिहाजा हमारी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं। वो तो कहते हैं कि आवाम के लिए है, लेकिन आवाम के लिए नहीं है, आवाम को दबाने के लिए है। ये एक चीज़ जो 100 रुपये की वो 300 की हो गई है, तो तनख्वाह वही है, वही है, बढ़ती नहीं है। तो हर चीज़ में महंगाई महंगाई रोज़ाना होती है, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ती। तो इससे बजट आवाम का है ही नहीं, ये है ही गवर्नमेंट का है, वो खुद ही करती है जो करती है। 2 सालों बाद बुझाए ने 10 रुपये बधाए ने, तो 10 रुपये बधा के कड़ी छाल मार दी नहीं उन्होंने, कोई कुछ नहीं किया है। 10 रुपये ना कुछ भी नहीं मंजूर। अगर हूँ मैं तो सुने से बजट तो पहले ही खबर आ रही थी कि 25% 30% बधाएंगे, तो पेंशन वाले लोग ने जोड़े उन्होंने हूँ असी तो पेंशन से हाँ, असी वेले ही होने तो हूँ खर्चे जोड़े ने हो के हो असी भी 300 ही लेना है, पेंशन जिन्ना अपलाई ने उन्हें भी उही पा लेना है। महंगाई के उत्ते कंट्रोल किया जाए, 10 रुपये ना भी बधाते तो कोई गल नहीं सी, सिर्फ महंगाई जी उत्ते कंट्रोल होना चाहिए जी। अगर महंगाई तो नहीं कंट्रोल तो जिन्हें मर्जी बधा दो बधाई जाओ। बिजली के बिल भी घट सी, आटा भी सस्ता है, चीनी भी सस्ती सी, लोग सुकून ना आपके घर खा रहे थे। हूँ ना तो दिहाड़ी लभदी जे, ना कोई कम लभदा जे, कोई शह नहीं जे लभदी। एक बजट ये कोई बजट बजट नहीं, अपना ढिड भर रहा है जो अपने अस्पताल बना रहा होगा, सानू इन्हें की दिता है हुकूमत है? ये कोई हुकूमत नहीं है, ये गरीबों मार रहा, कितने गड्डिया डिग पे कि अगर लग जाए, कितने कुछ हो जाता, कितने कुछ हो जाता, यह कोई तरीका नहीं है का? नहीं यह हुकूमत को नहीं, बढ़ जाए जितों निकली हुकूमत। अगर जो बातें इन्होंने की हैं रात को, अगर वो उसके ऊपर ये पूरा पहरा दें तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि जब ये आने से पहले इसने बोला था जी कि मुझे सिर्फ 15 दिन चाहिए, और 15 दिन का 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में हर बंदे को हमने रोता ही देखा है, खुद रो रहे हैं, बल्कि किसी को अगर देखना खुद रो रही है देखे। उदो लोगों के हालात भी जरा सही सी, गरीब बंदा सौखी रोटी खा लेंदा सी, हर बंदा दिहाड़ी मेहनत करके खा लेंदा सी रोटी। ठीक है भी साडा भाई है, ये भी बुरे काम नहीं करता पिया, पर जिनी हुण हुण महंगाई है ना, गरीब बंदे वास्ते तक रोटी खानी भी बड़ी मुश्किल हो गई है। अगों कहते 150 तो लैके कि बाजार च वड़िया ही नहीं जाता, अगले आंदे ने ऐ महंगाई है हिसाब की, तो ऐ महंगाई है हिसाब की है, तो वह बेचारा की करे गरीब बंदा है, तो उस वक्त तो बंदा परेशान हो जाता, छोटे छोटे बच्चे चीज़ खाने तो भी परेशान ने, हुण किन्ना दुनिया के फल लगे ने कुछ, तो मरण के किनारे आए पता, दिल नहीं पैसा नहीं है तो फल नहीं असी खा सकते, कोई दुध नहीं असी पी सकते, आ शाम सवेरे सुकी रोटी हैगी। हल वो होते हैं जहाँ पर आपको ऊपर से नीचे तक एक इंसाफ मिलता हो,
हमारे यहाँ वो मयार नहीं है। गरीब के लिए जो मयार है वो अमीर के लिए नहीं है, जो अमीर के लिए है वो गरीब के लिए नहीं है। हमारा ये स्टोर है, छोटे मोटे कारोबार हम लोग करते हैं, दिन में 3 दफ़ा 10 दफ़ा लोग आते हैं, कभी कोई चालान कर रहा है, कोई थ्रेट कर रहा है, सरकारी मुलाज़मीन आते हैं हमें थ्रेट करते हैं, 10 रुपये की चीज़ के लिए 3-3 हज़ार रुपये के जुर्माने होते हैं, हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें। हल क्या भी है ये महंगाई नीचे आएगी तो गरीब तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा, खाएगा पिएगा, हर चीज़ घर की सहूलत होगी इसको। अगर महंगाई तो गौर होएगा तो आवाम जी है उन्हें सस्ता रिलीफ मिलेगा, वो खुशहाल होंगे तो वो थानू दुआवा देंगे। तो जे अगर तुम इंज ही करते रहे तो लोगों ने तो फिर तंग हो के तुम गालें कड़ियाँ। हाल यो है कि हुकूमत जी है ना कोई रिलीफ दे, 10% ना नहीं गुजारा हों, कोई ज़्यादा दिन तो फिर हो सकता है कि आम आदमी जरा उन्हें कोई अच्छा रिस्पोंस मिल जाए, अच्छा उन्हें मतलब खाने पीन मिल जाए। तो वो खान पीन तो की होना, महंगाई इन्नी बंदा की करे, रोटी खा ले तो ही बड़ी गल है। इसका हल यही है कि गरीब का एहसास किया जाए, जैसे ना एहसास प्रोग्राम चलाया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साल में एक दफ़ा किसी को मिलता 10-12 हज़ार रुपया क्या वो पूरा साल चल सकता है? एक टाइम की तो खा लेंगे, दूसरे टाइम का फिर रोना ही ना उन्होंने। ये देखे अब कितने बच्चे हैं, ये सारे तंग करते अपने माँ बाप को कि बार बार पैसे दो। बोलो भी तुसी सारे, हाँ जी, हुकूमत से बोलो कि हमारे हकूक हमें दो, हमारे हकूक हमें दो। कुर्सियां तो आप ही है ना बेटा, मल के बहनियां ना साथ नहीं लैनी आई, पर यह है भी जेड़ा अच्छा बंदा हुकूमत चलाएगा उनकी तारीफ होगी, है तो उनके नाँ की गल की जाएगी। और नवाज शरीफ नहीं सानू को थोड़ा देंदा सी, कुर्सियां नहीं देंदा, ज इमरान खान नहीं देंदा कुर्सियां, तो इन्होंने आप ही मलनिया। यह है भी जरा गरीब बंदियां नू कहिंदा नौकरियां मिल जाए अच्छिया, ऐ महंगाई का तोड़ हो जाए, ए जेडे बच्चे नौकरियां वास्ते तरस रहे ने उन्होंने नौकरियां मिल जाए ताकि उन्होंने घर आवे कोई राशन पानी आवे तो अपने बच्चे शादमानी हो। लोगों देंदा अपने रिश्तेदार पालदा ना, अपने आप न पालदा ना, किसी ने कभी कुछ दिता तू हूँ छिता नहीं खाने कद वोट लैने तू। उन्हें पता की क्या सी, तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली आ गई है दुनिया भुखा मारन लिए आ गई है तब्दीली, होर की तब्दीली चाहिए की असर पैना। इस अलावा की होना, सब्जियां एडिया महंगिया तो तुम नहीं पता, हम जिन्होंने मंडियां चो सब्जियां चुकनिया सारी दिहाड़ी सड़कों पर रुलना, वो तुम सू मुफा थोड़ी दे जाते, उन्होंने सारी दिहाड़ी अपनी भी दिहाड़ी कढ़नी है, पेट्रोल भी कढ़ना है, कौन करेगा, वो सू फ्री तो नहीं दे जाते। महंगाई बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ महंगी है, ठीक है, हर एक चीज़ कोई मतलब कोई फायदा नहीं है, सब्जियां महंगियां, हर गोश महंगा, आटा महंगा, हर एक चीज़ महंगी है, कोई चीज़ गरीब रोटी नहीं खा सकता, इन्नी कुछ ज़्यादा महंगाई है। लिहाजा कि महंगाई घट किया जाए तो फिर पेंशन वधन, तनखावां वधन, तो फिर गरीबों का कोई फायदा हो सकता है। गरीबा तो बहुत मुश्किल आई, गरीब तो बेचारे रोटी नहीं खा सकते, मुश्किल बहुत ज़्यादा, रोटी खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बचत कोई फायदा नहीं आना, जो कोई फायदा आवे तो फिर है ना, तो इमरान खान तो कहता से असी नवा पाकिस्तान करना, तो उन्हें तो पुराना भी खत्म कर छड़े।